नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के 37,000 स्कूलों में जल्द शुरू होगी कंप्यूटर क्लास। आज होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। 12 देशों के अब तक 41 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। के पाठक ने डीएम को लिखा पत्र। भारत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ड्रॉ टेस्ट का WTC पॉइंट्स टेबल में उठाना पड़ा नुकसान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 37,000 स्कूलों में जल्द शुरू होगी कंप्यूटर क्लास। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के 37,000 स्कूलों में जल्द ही कंप्यूटर क्लास शुरू होने वाली है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 20 कंप्यूटर और मध्य स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों के द्वारा निर्देश के अनुसार एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। वहीं कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए पेशेवर प्रोफेशनल की सेवा मानदेय के आधार पर ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्धारित स्कूलों में किराए पर लगाए जाने वाले सभी कंप्यूटर पैनल बद वेंडर्स के जरिए लगवाए जाएंगे। वहीं कक्षाएं संचालित करने के लिए ICT इंस्ट्रक्टर तय दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हीं कंप्यूटर से ई लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुहर्रम को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी इतने दिनों तक हुई रद्द। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से मुहर्रम को लेकर सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट करते हुए उनकी छुट्टियों को 1 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उन स्थलों को चिन्हित भी किया गया है जो संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। इन स्थानों पर जिला बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। मालूम हो कि इसके लिए पुलिस बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुहर्रम 29 जुलाई को मनाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष में अतिरिक्त दंडाधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। मालूम हो कि जुलूस को लेकर रूट तय करने और उससे शोर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान उच्च क्षमता वाले डीजे या किसी प्रकार के उपकरण को बजाए जाने पर पाबंदी लगाई गई है। आज होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। आज यानी कि मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 4:30 बजे से नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि उस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्य से बाहर थे। दरअसल बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 17 जुलाई को ही बेंगलुरु रवाना हो गए थे। सीएम और डिप्टी सीएम के बेंगलुरु में होने की वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी। बिहार में टला उड़ीसा जैसा रेल हादसा। बिहार में उड़ीसा जैसा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल बरौनी से नई दिल्ली जा रही ट्रेन नंबर 02563 वैशाली क्लोन सुपरफास्ट सोमवार को मुजफ्फरपुर से चलने के बाद मोतिहारी के बदले हाजीपुर ट्रैक पर चली गई। इस दौरान जब तक लोको पायलट की नजर पड़ी ट्रेन 200 मीटर आगे बढ़ चुकी थी और माड़ीपुर ओवरब्रिज के पास पहुंच चुकी थी, जिसके बाद इस बात की जानकारी लोको पायलट के द्वारा स्टेशन मास्टर कार्यालय को दी गई और फिर ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। बता दें कि इस पूरे मामले में ट्रेन को सिग्नल देने वाले की गलती सामने आई है। ऐसे में इस मामले को लेकर सोनपुर रेल मंडल के DRM विवेक भूषण सूद के द्वारा पैनल ऑपरेटर अजीत कुमार व पैनल प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मियों पर जांच शुरू कर दी गई है। के पाठक ने डीएम को लिखा पत्र। बिहार के सरकारी स्कूलों के खातों में करोड़ों की राशि जमा है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों में विकास का कार्य नहीं किया जा रहा। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा वित्तीय प्रबंधन को ठीक करने की दिशा में जरूरी निर्णय लेने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्कूलों के विकास और छात्र कोष में कुल मिलाकर 1,108.8 करोड़ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं विद्यालयों के सरकारी खातों में 30.8 करोड़ रुपए उपलब्ध है। प्रारंभिक स्कूलों में बिहार सरकार के विभिन्न खातों में 261.95 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। इसलिए धन राशि की मदवार समीक्षा कर उसके सदुपयोग की कवायद की जाए। अगर वह किसी सरकारी योजना की है तो उसे सरकारी कोष में जमा किया जाए। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी टक्कर। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी स्पर्धा होने वाली है, क्योंकि बिहार राज्य से ज्यादा आवेदकों की संख्या दूसरे राज्यों से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक नियुक्ति में 3,13,500 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिया गया है। इसमें से लगभग 38% बाहरी आवेदक है। मालूम हो कि बाहरी आवेदक सभी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इसके साथ ही बिहार के सामान्य श्रेणी के आवेदक भी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 से 5वीं कक्षा के लिए कुल 80,000 पद है, जिनमें 48
22,000 पद आरक्षित श्रेणी के लिए, तो वही 32,000 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए है, और इन 32,000 अनारक्षित पद में भी 16,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। बक्सर पुलिस ने 277 लीटर शराब किया जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बीते दिन की है, जब डुमराव एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी के द्वारा NH-120 सड़क पर यूपी से शराब भरकर पटना जा रही एक लग्जरी कार को पकड़ी गई। हालांकि इस दौरान गाड़ी में मौजूद 3 तस्कर नदी में कूद पड़े, लेकिन पुलिस की कोशिश के बाद एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई, तो वहीं 2 तस्कर भागने में सफल हो गए। बता दें कि पुलिस के द्वारा कार से 31 कार्टन शराब बरामद किया गया, जिसमें 1488 पीस 8 PM और 12 पीस 750 ml के विस्की बरामद किए गए। 12 देशों के अब तक 41 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 माह में बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले 12 देशों के 41 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फिलहाल 22 जुलाई को मोतिहारी के रक्सौल थाना अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भारतीय वीजा के अनाधिकृत रूप से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किए गए 2 चीनी युवकों से पूछताछ की जा रही है। इनकी पहचान झाओ जिंग और फू कोंग के रूप में की गई है। बता दें कि इनके खिलाफ रक्सौल हड़ैया ओपी के कांड दर्ज पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब जल्द ही इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। के पाठक ने पलटा शिक्षा मंत्री का आदेश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को हटाते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के एक निर्णय को उलट दिया गया है। बता दें कि के पाठक की ओर से संजय कुमार की जिम्मेदारी प्रभारी पदाधिकारी रहे नसीम अहमद को सौंप दी गई है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार संजय कुमार को लेकर वित्तीय अनियमितता की कुछ शिकायतें मिली थी। इसी के बाद के पाठक ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया। चूंकि पहले उनके पदस्थापन का आदेश शिक्षा मंत्री शेखर की ओर से दिया गया था, इसलिए अब उन्हें हटाए जाने के बाद मंत्री और अधिकारी के बीच पहले से चल रही तनातनी फिर से तुल पकड़ सकती है। अब 22 घंटे खुले रहेंगे ब्रह्मकुंड, भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। 18 जुलाई से राजकीय राजगीर मिल मैच। अब 22 घंटे खुले रहेंगे ब्रह्मकुंड, भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। 18 जुलाई से राजकीय राजगीर मलमास मेला की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगी। वहीं अब इस मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ब्रह्मकुंड को बंद रखने का समय रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी कि अब यात्रियों को यह कुंड 22 घंटे तक खुले दिखेंगे। मालूम हो कि ब्रह्मकुंड के पास श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर बड़ी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस बल एवं आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया है। मालूम हो कि पहले जिला पदाधिकारी के द्वारा रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कुंड को बंद रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब इसके समय में बदलाव कर दिया गया है। मौसमी बीमारियों के 30-40% मरीज बढ़े। राज्य के विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के 30-40% मरीज बढ़े हैं। ऐसे में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सभी सिविल सर्जन को मौसमी बीमारियों से संबंधित दवाओं को समुचित भंडारण करने को कहा गया है। इस संबंध में समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार में डायरिया के अधिक मरीज देखने को मिल रहे, वहीं दक्षिण बिहार के भागलपुर, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, शेखपुरा और नालंदा आदि जिलों में सर्दी, बुखार और खांसी के अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा इन जिलों में आंखों के संक्रमण व चर्म रोग वाले मरीज भी अधिक देखने को मिल रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर सुनवाई टली। आज जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर सीबीआई द्वारा दायर पहली चार्जशीट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों को देने को कहा, जिस पर आरोपियों की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट से जुड़े कुछ दस्तावेज उन्हें अभी नहीं मिले हैं। ऐसे में कोर्ट के द्वारा इस मामले पर की जाने वाली सुनवाई को टाल दिया गया और सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त की निर्धारित कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई के द्वारा दायर पहली चार्जशीट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी नहीं बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर साधा निशाना।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा पूर्णिया के नौगछिया में अधिवक्ता अजीत कुमार के आवास पर रुकने के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध है, नीतीश कुमार है, बिहार में नरसंहार हो रहा है और मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, अररिया में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। नौगछिया, भागलपुर सहित पूरे बिहार में अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज में सेतु के निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। भगवान शिव की आरती करते नजर आए तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है और साथ ही लिखा गया है कि भगवान शिव आपको सफलता, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। दरअसल इस वीडियो में वे भगवान शिव की आरती करते नजर आ रहे। बता दें कि यह वीडियो श्रावण के तीसरे सोमवार का है। मालूम हो कि बीते दिन तेज प्रताप की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनके इस वीडियो को देखकर वह बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि उनके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में एक यूजर के द्वारा कमेंट करते हुए लिखा गया कि सिक्योरिटिज्म के हिसाब से इससे आपकी पार्टी खतरे में आ सकती है। किसी ने कट्टर हिंदू लिखा तो किसी ने लालटेन जिंदाबाद लिखा कर तेज प्रताप को सपोर्ट किया है। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ ड्रॉ टेस्ट का WTC पॉइंट्स टेबल में उठाना पड़ा नुकसान। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दो टेस्ट सीरीज के पहले मैच में एक पारी और 141 रन से बड़ी जीत हासिल की। वहीं दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बारिश होने के कारण खेल नहीं हो सका और फैसला भारत के हक में रहा और भारत ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की। ऐसे में WTC में बड़े बदलाव हुए हैं। बता दें कि WTC पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पाकिस्तान, फिर दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर इंग्लैंड, पांचवें स्थान पर वेस्ट इंडीज, छठे स्थान पर श्रीलंका, सातवें स्थान पर न्यूजीलैंड, आठवें स्थान पर बांग्लादेश और नौवें स्थान पर साउथ अफ्रीका शामिल है। बता दें कि भारत WTC 2023 25 चक्र की अपनी अगली सीरीज 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। सीरीज 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगी और दूसरा मैच 3 जनवरी को न्यूलैंड्स में होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, उमेश ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, राजकिशोर महतो, मोहम्मद अफजल मंसूरी, मोटू रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, ऋषि ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के स्कूलों में पहले की तुलना में क्या क्या सुधार आया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।